ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे ज्योतिष शास्त्र में अशुभ शकुनों के निराकरण कैसे किए जाते हैं। देखिए ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि में अशुभ शकुनों के निराकरण के उपाय भी ज्योतिष शास्त्र में ही बताए गए। शकुन की मान्यता आज भी हमारे समाज में है, इसके अनुसार ही हमारे बुजुर्ग यात्रा आदि सभी कार्य करते हैं। आज भी हिंदू समाज में प्रचलित कुछ शुभ अशुभ शकुनों का विवेचन दिया हुआ है, जैसे सोम शनिश्चर पूरबना चालू, मंगल बुध उत्तर दिशि कालू, रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि होए पर सुख ना पाए, बीफे दक्षिण करे पयाना, फिर नहीं होवे ताको आना। अर्थात सोमवार शनिवार को पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, मंगलवार एवं बुधवार को उत्तर दिशा में यात्रा काल को आमंत्रण देना माना जाता है, रविवार एवं शुक्रवार को पश्चिम दिशा में यात्रा करने से हानि होती है तथा दुख प्राप्त होता है, गुरुवार को दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यात्रा से वापस आने की संभावना कम रहती है। अभी बाधा का निवारण कैसे किया जाता है? दिन एवं दिशाओं में यात्रा करने आवश्यक हो तो फिर यात्रा करने के तरीके आपको हम बता रहे हैं। सोमवार एवं शनिवार को पूर्व की यात्रा करने की परिस्थिति में यात्रा करने वाले को दूध का पान कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए यात्रा करना चाहिए। शनिवार को उड़द के दाने पूर्व दिशा में चढ़ाकर और कुछ दाने खाकर यात्रा करें एवं यात्रा के समय शनि गायत्री मंत्र का पाठ करें। ओम भग भवाय विद्धहे मृत्यु रूपाय धीमहि तना शनि प्रचोदयात्। मंगलवार एवं बुधवार को यात्रा करना अगर जरूरी हो तो मंगलवार को गुड़ का दान करें और कुछ गुड़ मुख में धारण करें तथा मंगल गायत्री का जाप करें। मंगल गायत्री जाप मतलब ओम अंगारकाय विद्धहे शक्ति हस्ताय धीमहि तनो भौम प्रचोदयात्। बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा आवश्यक हो तो तिल एवं गुड़ का दान करें और उसी से बने पकवान का भोजन कर यात्रा करें। यात्रा से पूर्व 5 बार बुध गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। बुद्ध गायत्री मंत्र जो कार्य पाठ है हम आपको बता देते हैं। ओम सौम्य रूपाय विद्धहे वाणिशाय धीमहि तना सौम्य प्रचोदयात्। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के मतानुसार रविवार एवं शुक्रवार को पश्चिम दिशा में यात्रा करना निषिद्ध बताया गया, फिर भी अत्यंत आवश्यक हो तो यात्रा करना ही हो तो आप उपाय कर सकते हैं। रविवार को पश्चिम में यात्रा करने के पूर्व शुद्ध गाय का घी लेकर पूर्व दिशा के मुंह करके हवन करें और यात्रा से पूर्व घी का पान करें एवं कन्याओं को दक्षिणा देकर सुर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए यात्रा करें। मंत्र है ओम आदित्याय विद्धहे प्रभाकराय धीमहि तना सूर्य प्रचोदयात्। गुरुवार को दक्षिण दिशा में यात्रा करना सर्वथा वर्जित है किंतु आवश्यक शुभ कार्य हेतु यात्रा करना जरूरी हो गया हो तो फिर आप यात्रा कर सकते हैं। उपाय हम आपको बता देते हैं। गुरुवार को यात्रा के पूर्व दक्षिण दिशा में 5 पके हुए नींबू सूर्योदय से पूर्व स्नान करके गीले कपड़े में लपेट कर फेंक दीजिए। यात्रा से पूर्व दही का सेवन करें तथा शहद शक्कर एवं नमक तीनों को बराबर मात्राएं मिलाकर हवन करें और गुरु गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम आंगीरसाय विद्धहे दिव्य देहाय धीमहि तनो जीवा प्रचोदयात्। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।